खरगोन जिले की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 13 लोगों की गिरफ्तारी करते हुए लगभग 29 लाख की चोरी का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल खरगोन जिले की पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर लूट और नकबजनी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें 13 लोगों को गिरफ्तार करके 29 लाख की चोरी का खुलासा हुआ। इस दौरान पुलिस महानिदेशक इंदौर जोन के वरुण कपूर ने पुलिस प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें बताया कि दिनेश और पप्पू नाम के शातिर लोगों ने इंदौर, उज्जैन, देवास सहित कई जिलों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस की माने तो चेकिंग के दौरान आरोपी दिनेश के दो पहिया वाहन के रजिस्ट्रेशन कार्ड को बारीकी से देखने पर पता चला कि कागजात नकली है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। मैंने पहले बोला ये कुछ अधिकारियों ने बहुत अच्छी इसमें कार्रवाई करी है। हमारे यहाँ के DIG और पुलिस अधीक्षक जो है उनको बताई के पात्र हैं। उनके साथ साथ जो दो सब इंस्पेक्टर हैं, एक का नाम है वरुण तिवारी जो सब इंस्पेक्टर है इंचार्ज भगवानपुरा थाने के, एक है सब इंस्पेक्टर दिनेश सिंह सोलंकी, ASI है भास्करे, कांस्टेबल अमित, कांस्टेबल आशीष। इनके साथ अन्य लोगों ने भी अच्छा कार्य किया है, उनको सबको हम उचित रिवॉर्ड से रिवॉर्ड देंगे। 30,000 रुपये का रिवॉर्ड है इस सब लोगों को। जैसे सजेस्ट करेंगे यहाँ के SP सुनील पांडे तो किस प्रकार से कितना किसको मिलेगा, बट 30,000 रुपये का रिवॉर्ड इनको दिया जाएगा इस उत्कृष्ट कार्रवाई के लिए। देखिए ये एक विस्तृत गिरोह है जो इस क्षेत्र में सक्रिय था। इसमें अभी तक 14 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें कुछ ऐसे सदस्य भी हैं जिन्होंने चोरी का माल खरीदा है, और इन लोगों से जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें मेन है दिनेश जो इनका गैंग लीडर है, और एक पप्पू। इनसे करीब 55 गाड़ियां बरामद हुई हैं, मोटरसाइकिल, और इसके साथ साथ एक लूट भी बरामद हुई है जो सेल्दा प्लांट का एक मैनेजर था उसके साथ हुई थी बेड़िया थाने में। उसमें एक लैपटॉप गया था और कुछ पैसे गए थे। ये लूट बरामद हुई है, लैपटॉप और साथ 13,000 रुपये मिले हैं, और कुछ अन्य चोरियां जो बेड़िया प्लांट जो है बेड़िया थाने के सेल्दा प्लांट अपने NTPC का, उसमें कई लंबे समय से चोरियां हो रही थी तो उसका काफी सारा मशरूका बरामद हुआ है। कुल मशरूका जो बरामद हुआ है 29 लाख से कुछ ज्यादा का है, और ये काफी बड़ा सीजर है, महत्वपूर्ण सफलता है इस क्षेत्र के पुलिस के लिए, खरगोन पुलिस के लिए, और इस पूरे गिरोह के पकड़े जाने से संभावना है और कि हमारा इस क्षेत्र में इन इस प्रकार के अपराधों पर नियंत्रण बेहतर होगा और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर ढंग से कायम की जा सकती है। कहीं ना कहीं अंतर्राज्यीय गिरोह से भी इनके तार जुड़े हो सकते हैं। इसमें अभी जांच चल रही है, इनके रिमांड लेके कार्रवाई आगे भी होगी और कहां कहां इनका लिंक है, क्योंकि कुछ मोटरसाइकिल 15 मोटरसाइकिल जो 55 में से हैं वो तो खरगोन की हैं जो रजिस्टर्ड ऑफेंसेज हैं। बाकी ऐसा इन्होंने बताया है कि उज्जैन से, इंदौर से, देवास से, और हो सकता है कि अन्य राज्यों से भी इन्होंने शायद मोटरसाइकिल चोरी करी होंगी। इनका एक तरीका वारदात बड़ा इंटरेस्टिंग था, जिस तरह से बेचते थे OLX की साइट पर लोग जाते थे और वहां पे जो मोटरसाइकिल मिलती जुलती थी जो इन्होंने चोरी करी थी उस मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर वो इस गाड़ी पे डाल देते थे चोरी वाली पे, और उसको डाउनलोड कर लेते थे उस जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स थी OLX पे, और जिसको इनको बेचना था उसको जाके बताते थे कि इसकी रजिस्ट्रेशन है, गाड़ी का नंबर मैच होता था, ऐसे डॉक्यूमेंट भी उस फरियादी को दिखते थे जो, और गलती से वाहन कभी कभी ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने खरीदे। तो इनके जो भी तार हैं, इनकी जितनी भी विस्तार है उसको भी जांच के बाद पता चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।